अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपको फ्रेंड शहजेब आज आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाया हूँ। पिछली वीडियो मैं आपको गाइड किया था अबाउट नेट, आज मैं आपके लिए नेट की एक और टाइप लेके आया हूँ जिसे जाना जाता है खाडी नेट के नाम से। आज मैं आपको ये बताऊँगा कि खाडी नेट है क्या, किस तरह आप बाकी नेट से इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और डिफरेंट बहुत सी चीज़ें। सो मैं आपके लिए एक सैम्पल लेके आया हूँ, बने रही है मेरे साथ दो मिनट के लिए, मैं आपको गाइड करूंगा खाडी नेट के बारे में। ये एक सैंपल मैं लेके आया हूँ जिसे जाना जाता है खाडी नेट के बारे में। आप किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं खाडी नेट और सिंपल नेट को, तो व्यूवर्स आपके लिए ये एक मैं लेके आया हूँ। अगर आप ये गौर करें तो आपको समझ आ जाएगी कि नेट जो होता है चमक रहा है, यानी कि जो नेट है इसमें चमक है। आप ये देख रहे होंगे कि नेट में जितना भी आप मैं फेर रहा हूँ इसमें चमक है, बहुत ज़्यादा यानी चमक है। ये चीज़ जितना भी मैं इसे फेर रहा हूँ इसमें ये बहुत यानी एक कुदरती तौर पर चमक आ रही है, नेचुरल वे में चमक आ रही है, यानी कि पीपल्स यानी कि इसे नेट किया गया, तो इसे जाना जाता है खाडी नेट के नाम से। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी खाडी नेट के बारे में कि खाडी नेट ऐसा नेट होता है जिसमें चमक आ रही ही हो। और इसे एक और खाडी नेट में क्यों कह रहा हूँ, इसे क्यों नहीं ऑर्गेंजा या मसूरी के साथ आपने कन्फ्यूज़ नहीं करना, क्योंकि मसूरी जो होता है ना उसमें ये नेट की तरह के धागे नहीं बने हुए थे। अभी आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें यानी मोटे मोटे सुराख हैं, तो इस वजह से इसे खाडी नेट से के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी खाडी नेट क्या है। अगर आपको कोई भी सजेशन है या कोई भी आपका क्वेश्चन है सो काइंडली कमेंट में पूछें, मैं आपको जल्द अज जल्द उसका रिप्लाई करूँगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।